सो नाउ हेयर इज अ ब्यूटिफुल रिजल्ट ऑफ माई दिस नेचुरल ब्लीच गाइज. ब्लीच हम सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. कोई भी ओकेजन हो हम पार्लर जाके ब्लीच जरूर कराते हैं. आप सभी ने कभी ना कभी ब्लीच कराया ज़रूर होगा. इसका रिजल्ट भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है ना, क्योंकि ये ना इंस्टेंट हमारी रंगत में बहुत ही ज़्यादा गोरापन लाता है, सुधार लाता है, या कह लीजिए हमारी स्किन एक जैसी हो जाती है, इवन लगने लगती है. सारी जितनी भी डेड सेल्स और सारी दाग धब्बे होती है वो एकदम से बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं और हमारी स्किन एकदम से वाइटन हो जाती है. सो सेम रिजल्ट मैंने इस नेचुरल ब्लीच से पाया है गाइज, जो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ. बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल एक ग्लो आया है. सो वीडियो में चलिए देखते हैं कि क्या लेना है आपको इस नेचुरल DIY ब्लीच को बनाने के लिए और घर पर इस तरह की ब्यूटिफुल स्किन पाने के लिए. सो हाई एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल. मैं हूँ रंजना और आप देख रहे हैं रंजना ओरा. सो स्वागत है आपका ब्यूटी के अनदर एपिसोड में. माई चैनल इज रिगार्डिंग ऑल अबाउट अ वोमेन नेम. सो गाइज, अगर आज आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड गाइज, इस तरह की वीडियो आपसे फ्यूचर में मिस ना हो उसके लिए बेल बटन भी होगा, उसको भी हिट जरूर कर दीजिएगा. ओके गाइज, सो ये है हमारा नेचुरल ब्लीच. इसके रंग पे मत जाइए, ये आपको रंगत के साथ साथ आपके चेहरे में एक पिंक ग्लो भी ऐड ऑन करेगा. सो आपको इस ब्लीच को बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट लेने हैं वो सब कुछ आपको मिलेंगे आपके किचन में. सो दौड़ के जाइए किचन से. और किचन में आपको लेना है इस नेचुरल ब्लीच को बनाने के लिए सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है गाइस राइस. राइस आप सभी को पता है कि हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है. हमारी स्किन में बहुत ही ज़्यादा एक कह लीजिए कि एंटी एजिंग की जितनी प्रॉपर्टी होती है वो सब कुछ ये लॉक करता है हमारे स्किन में. और इसमें नेचुरल पाया जाता है स्किन को वाइटनिंग करने का एजेंट. सो इसलिए सबसे पहला एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया है चावल. इसको अच्छे से क्लीन करके और थोड़े से पानी के साथ में रख लीजिए. सो अब क्या करना है, नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट क्या लेना है आपको, यस पोटैटो. गाइस, पोटैटो नेचुरल ब्लीच होता है. इसमें ब्लीचिंग एंजाइम पाया जाता है, इसलिए मैंने नेक्स्ट जो एलिमेंट लिया है वो पोटैटो लिया है. इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं बीट रूट. यस बीट रूट गाइस नेचुरली आप कह लीजिए कि आपकी स्किन को क्लीन करता है, क्लियर करता है, साथ ही साथ इसमें आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा गोरा बनाने का पावर होता है. अब लेमन आप सभी को पता है विटामिन सी से एनरिच्ड होता है और हमारी स्किन के स्पॉट को कम करता है. उसके बाद का जो एलिमेंट है, हम सभी के किचन का मेन एलिमेंट है या मेन इंग्रेडिएंट है, वो है बेसन. बेसन गाइस आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा डीपली क्लीन करता है. सो आप यहाँ पर देख रहे हैं जितनी प्रॉपर्टी मैंने, जितनी भी चीज़ें मैंने ली है उन सभी की प्रॉपर्टी है नेचुरल ब्लीच. आपको आलू को अच्छे से धुल के अच्छे से इसका पील ऑफ कर लेना है. नेक्स्ट अगेन गाइस आपको बीट रूट के साथ में भी यही करना है. तो मैंने इसको भी अच्छे से पील ऑफ किया है, देन इस तरह से रख लिया है. अब इसके बाद गाइस चावल को आपको मैंने बताया ही था कि चावल को आपको भिगो के अच्छे से थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा गाइस. बनाने के ना 20 मिनट बहुत होता है. 20 मिनट के बाद यहाँ पे आप देखिए आलू को मैंने कहते कट कर लिया है एंड मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को कट कर लिया है. और जितना चावल मुझे चाहिए था उतना ही मैंने लिया है. ये जितने इंग्रेडिएंट है गाइस इन सभी को मैं नहीं करूँगी, इन सभी को मैं नहीं ले रही हूँ ग्राइंड करने के लिए. मैं उतना ही ले रही हूँ जितना मेरे एक बार फेस पैक के लिए सफिशियंट है. और बाकी की सारी चीज़ें मैं अच्छे से एयर टाइट करके और फ्रिज में रख दूँगी, नेक्स्ट डे के लिए हो जाएगा. सो अब हम करेंगे इसको अच्छे से ग्राइंड. अभी गाइस मैंने तीन ही चीज़ों को लिया है, आगे के इंग्रेडिएंट मैं आगे कहते हैं जब पैक आएगा इसका ग्राइंड किया हुआ पल्पी मिक्सचर, जो कि देखिए ग्राइंड करने के बाद कुछ इस कलर का आया है. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर था इसका यार, बहुत क्रेजी कलर था रियली. ये जितना ब्यूटीफुल आपके चेहरे पे जाएगा ना, आप एकदम से रिजल्ट देखने के बाद बहुत खुश हो जाओगे. ये इतना थोड़ी सी जो आप मेहनत कर रहे हो ना, इसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट है. साथ ही साथ ये वाला चीज़ आपका पार्लर का बहुत ज़्यादा पैसा भी सेव करेगा. तो अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए. और मैंने वहाँ पे जितना मेरे को फेस पैक के लिए अभी मैं यहाँ पे डेमो दे रही हूँ, तो मैंने फेस पैक भर का ही यहाँ पे ले लिया है इस पल्पी मिक्सचर को. ये हमारा पोटैटो
और चावल, और गाइस जो तीसरा इंग्रेडिएंट था बीट रूट, उसका ये पल्पी मिक्सचर है, राइट। सो अब इसमें मैं ले रही हूँ लगभग 1 चम्मच बेसन। इसको मैं जब पल्पी मिक्सचर बना लेती हूँ या ग्राइंड कर लेती हूँ तभी मैं इसमें मिलाती हूँ इस फेस पैक में। इतना सफिशियंट है गाइस, इससे ज़्यादा मत मिलाइएगा। और उसके बाद यहाँ पर लेमन, मैंने आपको बताया था कि ये अगेन है, बट जिन लोगों को लेमन सूट नहीं करता है वो सिंपली लेमन को अवॉइड कर दीजिए। वैसे फ्यू ड्रॉप ही डालनी है, तो अगर आपको सूट नहीं करता तो आप बिल्कुल उसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इसमें सारे नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट मैंने डाले हुए हैं। सो ये हमारा पैक है। नाउ गाइस एक पुराना कपड़ा पहनिएगा, और यहाँ पे मैंने हेयर वगैरह सिक्योर कर लिया है। अब गाइस जब भी कोई फेस पैक लगाना होता है ना, आपका चेहरा बहुत अच्छे से क्लीन होना चाहिए। तो बेस पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, फेस मेरा पूरी तरह से क्लीन है, बट फिर भी मैं गुलाब जल लेकर एक बार अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन करूँगी, ठीक है। अब जब मेरा चेहरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा, उसके बाद मैं इस फेस पैक को अपने चेहरे पर अच्छे से अप्लाई करूँगी। सो हमारा फेस हो गया क्लीन, नाउ स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये जो फेस पैक है ना, इसको लगाने से पहले ना आप फ्रीज़र में रखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। हाथ से ही गाइस मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इसका जो डायरेक्शन रखिएगा ना, वो आप अपवर्ड डायरेक्शन रखिएगा। अपवर्ड डायरेक्शन रखने से क्या होता है कि ये जो पैक है ना, जितने भी आपके स्किन पर पिगमेंटेशन है, दाग हैं, धब्बे हैं, वो चाहे एक्ने को हो, चाहे जैसे भी दाग धब्बे हो, उन सभी पर ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। साथ ही साथ गाइज ये एंटी एजिंग के लिए भी बहुत ब्यूटीफुल पैक है, और ब्लीच तो ये आपकी स्किन को करेगा करेगा, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट मैंने ब्लीचिंग डाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अच्छे से मैंने फेस पैक को लगा लिया है गाइज। इतनी थिक लेयर आप जरूर लगाइएगा, बहुत पतली लेयर इसकी नहीं लगानी है, इसीलिए गाइज मैंने बेसन बाद में डाला था। सो नाउ यहाँ पे हमारा फेस पैक हो गया है अप्लाई कंप्लीट। 25 मिनट तक इसको रखिएगा, उसके बाद गाइज ये होगा सेमी ड्राई, पूरी तरह से ड्राई नहीं रखना है, देन वाटर से क्लीन करना है। सो गाइज अब 25 मिनट तक आप क्या करोगे, 25 मिनट तक हम करेंगे वेट। आप कोई भी अपना फेवरेट काम कर लीजिए, या आप अपने घर का कोई भी हाउस होल्ड चोर कीजिए, और उसके बाद तो ये आपका फेस पैक सूख जाएगा। देन आपको इसको सेमी ड्राई करके ही उतारना है। गाइज अगर ये फेस पैक या ये ब्लीच आप डेली करना चाहते हो कर सकते हो, कोई पंगा नहीं है। बट सर्कुलर मोशन में जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ ना, अगर एक बार आप लगाते हो तो आपकी जितनी भी पिगमेंटेशन होगी वो सब कुछ हट जाएगी। और आप क्या करिएगा, एक बार अगर लगाते हो तो सर्कुलर मोशन में करके आप वाटर से क्लीन कीजिएगा, नहीं तो गाइज आप क्या करिएगा, प्लेन सिंपल धुल दिया कीजिएगा अगर आप डेली यूज़ कीजिएगा। सो नाउ हेयर इज़ अ फाइनल रिजल्ट, मैंने वाटर से यहाँ पे क्लीन कर लिया है, एंड रिजल्ट गाइज आप खुद ही देख सकते हैं कितना अमेजिंग है। सो आप इसको अच्छे से घर पर ट्राई कीजिए, अपना एक्सपीरियंस इस पैक के साथ, इस ब्लीच के साथ ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए। मैं अब यहाँ पे आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ गाइज, और बहुत हैप्पी थी मैं इस रिजल्ट से सीरियसली। तो आप लगी गाइज मेरी आज की वीडियो, प्लीज 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 इसको ट्राई जरूर कीजिए, ये सभी पे बहुत अच्छे से वर्क करता है गाइज। अगर वीडियो आपने पसंद की हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इस तरह की ब्यूटी वीडियो आपसे फ्यूचर में मिस ना हो उसके लिए बेल आइकन भी जरूर हिट कर दीजिएगा। मैं रंजना अब करती हूँ साइन ऑफ, मिलती हूँ आपसे ब्यूटी के अनदर एपिसोड में। टिल देन लव यू गाइज, बाय बाय।